हेलो एवरीवन, वेलकम टू किम्स कृष्णा इंस्टीट्यूट मैथमेटिक्स एंड साइंस। मैं हूं दीक्षा वैश्य और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4, डिटरमिनेंट एंड मैट्राइसिस। तो देखिए, इसके पहले के सेशन में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने फर्स्ट 5 प्रॉपर्टीज देखी थी, तो उनको भी रिवाइज करेंगे। अभी पहले देख लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। तो देखिए, ये है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 6 जो हमको टेक्स्ट बुक में प्रोवाइड की गई है। यहां पर मुझे प्रोवाइड किया गया है, इफ कॉन्स्टेंट मल्टीपल ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो इज एडेड टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। ठीक है, ये हम एलिमेंट जो है ये रो के साथ भी कर सकते हैं, कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट सो ऑब्टेन इज द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। द ऑपरेशन आर आई इंटरचेंजेस आर आई प्लस के आर जे डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये जो इतना बड़ा स्टेटमेंट हमको भारी भरकम स्टेटमेंट दिया है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है ये हम देखते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पर मुझे सीधा सीधा ये बोला गया है कि मान लीजिए ये कोई डिटरमिनेंट है। ठीक है, तो मैं 2x2 डिटरमिनेंट देता हूँ 1 2। अब इसमें अब पहले ये देखिए, ये है आर वन और ये है आर टू। ठीक है, ये है कॉलम वन, ये है कॉलम टू। तो अब इसमें से किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स को मैं किसी एक कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो आर वन मतलब रो वन के जो एलिमेंट्स है, रो वन के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं के से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो। ठीक है, तो ये करने के बाद, ओके, ये करने के बाद मतलब ये मल्टीप्लीकेशन करने के बाद रो वन में क्या चेंजेस हो, जरा आर वन इंटू के, सो के मल्टीप्लाइड बाय वन मतलब ये हो जाएगा के, और टू मल्टीप्लाइड बाय के मतलब ये हो जाएगा टू, और ये एज इट इज लेकिन मुझे ये नहीं लिखना है यहां पे, ये तो मल्टीप्लिकेशन हो गया ना। ठीक है, डिटरमिनेंट में ये नहीं आएगा, मुझे R1 के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है K से, लेकिन लिखना नहीं है यहां पर, लिखना मुझे 1 और 2। तो ये हो गया मेरा आधा पार्ट। तो देखो, इफ कॉन्स्टेंट मल्टीपल ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, ये हो गया आधा पार्ट, मल्टीपल ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। तो मल्टीपल मतलब मैंने वन फर्स्ट रो को के से मल्टीप्लाई किया, तो के से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिला था मुझे, के और टू के, ओके, ये मिल गया था। अब ये जो वैल्यू मुझे मिला है, इसे मुझे ऐड करना है किसी और रो के अंदर। तो किसी और मतलब दो, 2x2 वाले में तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है ना, 3x3 अगर होता तो फिर तीन ऑप्शन हो जाते हैं हमारे पास, लेकिन यहां पे तो एक ही ऑप्शन है रो टू। हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब क्या, तो देखिए रो वन के लिए पहला करस्पॉन्डिंग ये वन के साथ 3, ओके, और टू के लिए 4, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो इन्हीं के साथ ऐड कर सकता हूं मैं, मतलब कैसे होगा तो जरा देख लीजिए। तो क्या मिला है, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को के से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिला है के और टू के, ओके, अब इसको मुझे ऐड करना है इनमें, तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 3, वन का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3, 3 प्लस के, 3 प्लस के, और रो टू का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 4, 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 के। अब मुझे बोला गया है कि इतना करने के बावजूद भी मेरे ओरिजिनल डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, या फिर ओरिजिनल वैल्यू का तो ओरिजिनल डिटरमिनेंट का तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो न्यू डिटरमिनेंट बनेगा उसका वैल्यू भी सेम रहेगा ओरिजिनल की तरह। ओके, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटरमिनेंट सो ऑब्टेन इज सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल डिटरमिनेंट, ये सेम रहने वाला है ऐसा मुझे बोला गया है। चलिए देखते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, इसका तो हमको पता ही है, ये हम पिछले वाले प्रॉब्लम में भी बहुत बार कैलकुलेट कर चुके हैं, यही 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 का मैं बता देता हूं, इसका आंसर होता है -2। ओके, 1 2 3 4 डिटरमिनेंट है, इसका आंसर -2। इसको देख लेते हैं क्या ये -2 आता है, 4 प्लस 2 के इंटू 1, तो ये मिल जाएगा भाई मुझे 4 प्लस 2 माइनस 2 3 जा 6, 2 इंटू 2 2 के। ठीक है, माइनस साइन है इसलिए मैंने बाहर इसको ब्रैकेट में ले लिया। चलिए 4 प्लस 2 के माइनस इंटू प्लस बिकम माइनस 6, माइनस इंटू प्लस बिकम माइनस के, प्लस 2 के माइनस 2 के तो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा है, 4 माइनस 6, 4 माइनस 6, देख लीजिए भाई
हमको ये वैल्यू इक्वल मिल चुकी है, मतलब हमारा प्रॉपर्टी एकदम सही बता रहा था क्या कि किसी कांस्टेंट से मैं किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करता हूं और उन्हें उन्हीं के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड कर देता हूं, तो जो मेरा नया डिटर्मिनेंट बनता है, मेरा नया डिटर्मिनेंट बनता है कि वैल्यू जरा भी चेंज नहीं होगी ओरिजिनल के कंपैरिजन, ठीक है, मतलब ओरिजिनल की जो वैल्यू मिलती है वही मुझे इस चेंज डिटर्मिनेंट की भी मिलेगी, दैट्स इट एंड दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर। ओके, अब इसी के बेस पे डिपेंड है मेरा एक्सरसाइज 4.2। देखिए हम अभी भी हमारा एक प्रॉपर्टी बाकी है, पांच प्रॉपर्टीज हम इसके पहले वाले सेशन में लिए थे, सिक्स प्रॉपर्टी अभी रिसेंटली हमने लिया, अभी भी एक प्रॉपर्टी बाकी है। अब देखिए मैं पुरानी प्रॉपर्टीज को रिवाइज भी करते जाऊंगा और जो हमारे एग्जांपल्स है उनको हम डिस्कस भी करते जाएंगे। चलिए तो मेरा फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर, मुझे यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है विदाउट एक्सपांडिंग ए वैल्यू डिटरमिनेंट, मतलब एक्सपांड करना ही नहीं है। अब देखिए हमने अलॉन्ग रो एंड कॉलम जो एक्सपांडेशन देखा था वो भी एक तरह का एक्सपांडेशन ही है, अलॉन्ग रो एंड कॉलम, लेकिन यहाँ पे मुझे सीधा बोल दिया गया है कि एक्सपांड करना ही नहीं है लेकिन सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं भाई, हमारे पास तो ऑप्शन है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एज इट इज लिख लेता हूं। सो क्वेश्चन है मेरा वन, थोड़ा बड़ा, वन ए बी प्लस सी, सेकेंड वन बी सी प्लस ए, और लास्ट है वन C, A plus B। तो सॉल्यूशन की शुरुआत कर देते हैं। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये कॉलम वन है, ये कॉलम टू है, ये कॉलम थ्री, ओके, ये रो वन है, ये रो टू है, ये रो थ्री है, पहला एग्जांपल है इसलिए यहां पे आप लोगों को मैं लिख के बता रहा हूं, लेकिन ध्यान में रखिए एग्जाम में हमको ये लिखना नहीं है, ठीक है। तो मैं काम करता हूं इसको डिफरेंट कलर से शो कर लेता हूं, ये एग्जाम में लिखना नहीं है ये वाला, ठीक है, ये रो वन रो टू। आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करना है। ओके, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैंने जो सिक्स प्रॉपर्टी यूज किया है ना, जो मैंने आपको बताया मैं उसी को यूज करने वाला हूं यहां पे, ठीक है। देखिए अब कॉलम टू को, कॉलम टू को मैं वन से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो कॉलम टू को अगर मैं वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ चेंज होने वाला है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो देखिए अब मैं सीधा बोल देता हूं बाय कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री, मतलब एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं, हमारे सिक्स नंबर का प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। तो देखिए कॉलम टू को मल्टीप्लाई करने वाला हूं मैं वन से और इसको ऐड करूंगा कॉलम थ्री में, दैट इज सिक्स प्रॉपर्टी, राइट। कोई भी कॉलम के हर एलिमेंट को एक कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर उसके बाद उसको किसी और कॉलम में ऐड कर दीजिए, ऐसा करने पर हमारे ओरिजिनल डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। ओके, तो इसका मतलब अब मैं सीधा लिखूंगा सी टू प्लस सी थ्री, क्यों? क्योंकि जब वन से मल्टीप्लाई किया है तो कुछ नया थोड़ी मिलेगा, ए बी सी ही मिलेगा ना वन से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इसलिए मैं सीधा बोल देता हूं। देखिए प्रोसीजर ये है, ठीक है, प्रोसीजर ये है, एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या हुआ है कि पहले सी टू को वन से मल्टीप्लाई किया गया, वन इज द कॉन्स्टेंट, और उसके बाद उसको कॉलम थ्री में एड किया गया, तो ये हो गया एग्जैक्ट प्रॉपर्टी। लेकिन लिखते वक्त मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, लिखते वक्त मैं लिख रहा हूं बाय सी टू प्लस सी थ्री, ये लिखना है हमको एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो जो लिखना है उसको रेड कलर में रखते हैं, जो लिखना है तो बाय सी टू प्लस सी थ्री, तो सी टू और सी थ्री को ऐड कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, सो डिटर्मिनेंट, ये मेरा डिटर्मिनेंट है, इसको कोई नाम दिया गया है मुझे, नई क्वेश्चन में कोई नाम नहीं है तो मैं डी नाम ले लेता हूं सीधा सीधा, डी इज इक्वल्स, तो डी इज इक्वल्स। चलिए तो क्या चेंज किया है हमने डिटर्मिनेंट में, ये तो ऐसे रहेगा वन वन वन, ये भी ऐसे रहेगा ए बी सी, अच्छा एक मिनट, हम चेंज किसको कर रहे हैं, ये हमने नहीं लिखा है यहाँ पे, हमको जिसको हम चेंज करने वाले हैं ये भी हमको लिखना पड़ेगा, तो मैं कॉलम थ्री को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, कॉलम थ्री को अगर मैं चेंज कर रहा हूं तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ सी टू प्लस सी थ्री तो हम कर रहे हैं लेकिन लिख कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी तो बताना पड़ेगा ना, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ सी थ्री कॉलम थ्री चेंजेस टू सी टू प्लस सी थ्री, ठीक है, मतलब कॉलम तीन में हम चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, कॉलम तीन में
टू और थ्री को ऐड करके लिखने वाले हैं। जरा देखो ये एलिमेंट क्या है, ए, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। चलिए उसके बाद सेकंड एलिमेंट है बी, सी प्लस ए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, बी प्लस सी प्लस ए मतलब ए प्लस बी प्लस सी लिख सकता हूं मैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद सी प्लस ए प्लस बी मतलब तो वही है ना, ए प्लस बी प्लस सी, लिख देता हूं ए प्लस बी प्लस सी। चलिए अब हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है, कौन सी प्रॉपर्टी में पढ़ा है नंबर बता देता हूं मैं आपको, हमारा प्रॉपर्टी नंबर फोर, हमने देखा है कि किसी कांस्टेंट एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई किया जाए किसी रो या किसी कॉलम को, तो उस कंडीशन में हमारे डिटरमिनेंट का वैल्यू के टाइम्स हो जाता है। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टी नंबर सिक्स, प्रॉपर्टी नंबर सिक्स क्या है हमारा, अगर देखिए 1 2 3 4 ये है हमारा नॉर्मल डिटरमिनेंट, अगर मैं इसको किसी भी एक कॉलम या किसी रो को के से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मान लीजिए मैं कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये एज इट इज रख रहा हूं मैं 2k और 4k कर देता हूं, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाता है मेरा k टाइम्स डिटरमिनेंट, ये हो जाता है। ठीक है, और यहां पर अब एक चीज और ध्यान में रखिए, अगर मैंने मल्टीप्लाई किया है तो मैं कॉमन भी तो निकाल सकता हूं इसको, तो जो हम मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखते हैं ना, ये प्रॉपर्टी है हमारा, ये प्रॉपर्टी हम अर्लियर सेशन में देख चुके हैं, और इसी प्रॉपर्टी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर k टाइम्स d है, ठीक है, k टाइम्स d है, तो मुझे एक बात बताइए, k बाहर आ गया, d क्या है, 1 2 3 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ d, चेक दैट, दिस इज द वैल्यू ऑफ d, ओके, तो मैं मेरा डिटरमिनेंट ऐसा भी लिख सकता हूं, मतलब k टाइम्स ओरिजिनल डिटरमिनेंट, चेक दैट, ओके। प्रॉपर्टी पढ़ाते वक्त मैंने ये चीज नहीं बताई थी, ओके, उसको हमने लिखा था इस प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि वहां पे हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इतनी सारी चीज एक साथ अगर बता दूं तो वो बहुत ज्यादा खिचड़ी या कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, ओके, तो इसलिए यहां पर मैं एक एक चीज बता रहा हूं। देखिए, तो ये हमारा नॉर्मल डिटर्मिनेंट, और हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि हम किसी रो या किसी कॉलम को कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिटरमिनेंट हो जाता है के टाइम्स, ओके, तो के टाइम्स हो जाता है, मतलब के मैं साइड में लिख लेता हूं और ओरिजिनल डिटरमिनेंट लिख लेता हूं, तो ओरिजिनल डिटरमिनेंट 1 2 3 4, सो के टाइम्स 1 2 3 4, मतलब मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि मैं के को कॉमन निकाल सकता हूं, अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो ये प्रॉपर्टी मैं यहां पर अप्लाई कर दूंगा, ओके, ये डी है, ठीक है, ये डी है, डी इज इक्वल, हाँ कॉमन निकालना है भाई, क्या कॉमन निकालूंगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। कॉमन निकालने के लिए एक चीज को ध्यान में रखिए, कॉमन निकालने के लिए ना पूरे कॉलम में, फिर वो कोई भी कॉलम हो, पहला दूसरा तीसरा, या फिर कोई भी रो में पहला दूसरा तीसरा, कोई भी रो या कोई भी कॉलम में एक ही चीज होना चाहिए सेम, तभी कॉमन निकल सकता है। ठीक है, यहां कॉमन क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, सभी तो है ना, तीनों भी कॉलम, तीनों सॉरी थर्ड कॉलम में तीनों एलिमेंट सेम है, मतलब पूरा का पूरा एलिमेंट कॉमन निकल जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी मैं निकाल देता हूं कॉमन, अंदर क्या बचेगा, ये तो 1 1 1 एज इट इज है, यहां आ गया ए बी और सी, अब यहां पूरा का पूरा टर्म निकल गया, तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 1, ये बन गया आपका नया डिटरमिनेंट, ओके, ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर फोर। अब प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या बोलता है आपको, याद कीजिए, प्रॉपर्टी नंबर सॉरी सेकंड नहीं थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या बोलता है आपको, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड ये बोलता है कि अगर कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है, मतलब वैल्यू सेम है, सॉरी यहां पर ये जो वैल्यू है, ये है सॉरी, ये है कॉलम वन और ये है कॉलम टू, कॉलम वन और कॉलम टू, तो अगर किसी दो रो या किसी दो कॉलम में आइडेंटिकल वैल्यूज है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाता है जीरो, उस डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाता है जीरो, ओके। चलिए ए प्लस बी प्लस सी तो मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाइड बाय, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो, क्यों, अब रीजन लिखना पड़ेगा ना, रीजन लिखना पड़ेगा, रीजन प्रोवाइड कर देते हैं, प्रॉपर्टी प्रोवाइड करना होगा, सी वन इज इक्वल टू, और अगर दो कॉलम इक्वल है देन डी इज इक्वल टू, d
इज इक्वल टू जीरो मतलब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। चलिए तो ये प्रॉपर्टी है हमारा, बाय प्रॉपर्टी लिख दो यहां, बाय प्रॉपर्टी। ऐसा लिख सकते हो आप। हाँ एक चीज यहां पे मैं लिखना भूल गया, यहां पे हमने कॉमन लिया है, क्या लिया है, ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन लिया है, ठीक है। तो यहां पे मैं बोल देता हूं टेकिंग कॉमन, नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, नहीं लिखा तो भी चलेगा। टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन लिया आपने, ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन लिया, और उसके बाद ये स्टेप आया है। हाँ भाई, उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी इंटू जीरो और एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो, देयरफॉर डी इज इक्वल टू जीरो। चलो ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, टेक दैट, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। हाँ क्या क्या नहीं लिखना है, क्या क्या, जो ब्लू कलर में जितना भी लिखा है वो नहीं लिखना है, ओके, ब्लू कलर में जितना भी है वो नहीं लिखना है, ओके, दैट्स इट। चलिए तो देख लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। चलिए तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में मुझे वही काम करना है, विदाउट एक्सपांडिंग इवैल्यूएट करना है डिटरमिनेंट को। तो ये तो मुझे बहुत ही सिंपल दिख रहा है, ठीक है, यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, देख लीजिए, रो थ्री दिख रहा है मुझे, सीधा सीधा रो थ्री दिख रहा है, रो थ्री से मैं कॉमन ले सकता हूं 3x, ओके, 3x कॉमन ले सकता हूं, ठीक है। चलिए तो मैं लिख देता हूं, यही ले रहा हूं d, एक काम करता हूं, तो ना थोड़ा ऐसे लिख लेता हूं, दिस इज, इसको अज्यूम कर लो d, दिस इज d इज इक्वल, चलिए तो यहां पे टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन ले सकता हूं मैं यहां पे, 3x को कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, 3x कॉमन ले लाऊं, तो 3x को कॉमन लेने के बाद d इज इक्वल्स टू 3x कॉमन ले लिया थर्ड कॉलम से, ओके, कॉलम 3 से या फिर आप सॉरी रो 3 से, फ्रॉम रो 3 आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो फ्रॉम रो 3, पहले वाले एग्जांपल में मैंने लिखा नहीं था, वहां कॉलम 3 से हमने कॉमन निकाला था, तो यहां रो 3 से निकाल रहे हैं, ठीक है, ठीके? तो आप लिख सकते हो ऐसे, टेकिंग कॉमन 3x फ्रॉम रो 3, रो 3 से 3x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 8। हाँ अब जरा देखो, 3, 2 जा 6, सीधा सीधा डिवाइड कर दो भाई, 6 डिवाइडेड बाय 3 2, 9 डिवाइडेड बाय 3, 3, 3 जा 9, 3, 4 जा 12, ओके आ गया। अब जरा देख लो यहां पर क्या हो रहा है, अब बोल दो यहां R1 is equal to R3, check that, ये और ये रो एग्जैक्ट सेम है, और अगर कोई दो रो या दो कॉलम इक्वल है तो देन डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, D इज इक्वल टू 3x इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, दैट्स इट, खत्म हो गया प्रॉब्लम, देखो इतने जल्दी है ना, बहुत सिंपल प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड एग्जांपल, चलिए तो देख लेते हैं इसको। अब ये हमको बोल रहा है वही काम करना है भी फिर से। अब यहां पर ना थोड़ा प्रॉब्लम ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी वैल्यूज है कैसे सॉल्व होगा, कुछ भी नहीं करना है। देखो ये है डी आपका, ठीक है, इसको मैं डी बोल देता हूं, डी इज, अब क्या करना है, तो हम चेंज करते हैं कॉलम थ्री को, ठीक है, सो कॉलम थ्री को हम चेंज करेंगे, क्या करने वाले हैं, कॉलम थ्री में से सब्ट्रैक्ट करता हूं मैं, ठीक है, क्या 9 times, पहले मैं कॉलम वन को, कॉलम वन को करें या टू को करें पहले देख लीजिए, 9, हाँ ठीक है, इक्वल लाना है, देखो अगर किसी एक को इक्वल लाना है, मतलब देखो मेरे को डी का वैल्यू निकालना है, और ऐसे जितने भी क्वेश्चन है ना जनरली इनका वैल्यू जीरो ही आएगा, तो इसको जीरो लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो कॉलम या तो रो इक्वल बनाने पड़ेंगे, रो तो इक्वल बनते दिखते नहीं है, कॉलम बन सकता है, लेकिन मुझे 65 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, अगर 2 लाना है तो 65 से माइनस करना पड़ेगा 63, ओके, 2 लाना है तो 65 में से माइनस करना पड़ेगा 63, तो 63 लाने के लिए, 63 माइनस करने के लिए 7 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से, ठीक है, तो पहले रो के लिए हम ये करके देखते हैं, अगर पहले रो के लिए पॉसिबल हो गया तो फिर बाकी रो के लिए भी हो जाएगा, मैंने एक्चुअली यहां पे सीधा लिख ही दिया है तो ये तो होने वाला है, एक्चुअली मुझे पहले बताना चाहिए था और बाद में लिखना चाहिए था, ठीक है, चलो ठीक है, तो मैं कर रहा हूं कॉलम टू को 9 से मल्टीप्लाई, कॉलम टू को 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं,
कॉलम टू को 9 से पर मल्टीप्लाई, कॉलम टू को 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद कॉलम टू लिख देता हूं मैं, क्या होता है कॉलम टू, तो 6 9 जा 63, ये हो जाएगा 8 9 जा 72 और 9 9 जा 81, ये तो सबको पता। चलिए तो ये हो गया मेरा नया कॉलम थ्री, तो बन गया। ओके अब डी इज इक्वल टू, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, काफी माता पिता मोटा लग रहा है, थोड़ा सा इसको दुबला कर देते हैं, डी इज इक्वल टू, अब ठीक लग। चलो तो कॉलम थ्री, कॉलम वन में तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, तो कॉलम वन जैसा का वैसा लिख लीजिए, कॉलम टू में भी कोई चेंज होने वाली नहीं है, इसको बी एज इट इज। आज जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है ना, उसी उसी में का कॉन्सेप्ट है ये। चलो अब कॉलम थ्री से, कॉलम थ्री को हम चेंज करेंगे, कॉलम थ्री में से कॉलम नाइन को टू से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो जरा मुझे एक बात बताइए। अच्छा एक प्रॉब्लम ये है कि हम ये लिख नहीं सकते इसके अंदर, ठीक है। देखो कॉलम टू को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो मुझे डिटरमिनेंट लिखना पड़ेगा, तो मैं एक्चुअली चेंज सिर्फ कॉलम थ्री को ही कर रहा हूं, और कॉलम थ्री को चेंज कैसे कर रहे हैं हम, कॉलम टू के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, नाइन से। तो क्या हो गया आप जरा देखो, तो कॉलम थ्री है 65 माइनस नाइन से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया, माइनस 63 मिला, यहां पे 75 है, 75 माइनस कितना है 72 मिला, और 86 है ओरिजिनल कॉलम थ्री, 86 में से 9 टाइम्स सी टू, 9 टाइम्स सी टू मतलब 81 माइनस 81 इज इक्वल्स टू, तो मैं इसको यही लिख लेता हूं 235, आपको वैसे नीचे लिखना है, ओके 789, अब सब्ट्रैक्ट कर लो भाई, 65 माइनस 63 कितना हो जाएगा 2, 75 माइनस 72 कितना हो जाएगा 3, 86 माइनस 81 कितना हो जाएगा 5, जरा देख लो कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 3, ओके कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 3, देन D इज इक्वल टू 0, प्रॉपर्टी है कोई भी दो रो तो या कोई भी दो कॉलम अगर इक्वल है, आइडेंटिकल है, तो भाई मेरा डिटरमिनेंट तो 0 हो जाता है, देयरफॉर D इज इक्वल टू 0, खत्म आंसर, बस इतना ही करना है इसके अंदर, ओके। हाँ इसमें क्या नहीं लिखना है, तो बस ये नहीं लिखना है, ये तो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था कि कॉलम 2 कैसे बदल जाएगा, तो कॉलम 2 की नई वैल्यूज ये आ गई। हाँ और आप और भी शॉर्टकट करना चाहते हो तो इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, मतलब ये स्टेप को नहीं लिखा तो भी चलेगा, हम ये लिखेंगे, और आने वाले एग्जांपल में जैसे जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे हम ये चीजें डायरेक्ट परफॉर्म करने वाले हैं, ओके। पहला है इसलिए मैंने आपको यहां पर करके बताया इस तरीके से, अदरवाइज हम डायरेक्ट ये स्टेप को। चलिए तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे मैं कर रहा हूं आज का सेशन स्टॉप, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, ओके थैंक यू।